कोरिया में जो है ना मोबाइल का ये है कि अगर वन हैंड यूज़ लेने तो ये देख लें, ये LG की कीमतें हैं, ये जो लाख वन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पाकिस्तानी 10,000 रुपया, ये 10-10 हज़ार रुपये ये LG के हैं। ये आईफोन जो है वो 2,80,000 वॉन का है ना, ये जैसे कि ये आईफोन है 2,80,000 वॉन का, 64 GB का। और नोट 5 है, जैसे कि ये नोट 5 जो है 2,20,000 वॉन का है। दो है ना ये वाला जो है, जैसे कि ये भी थोड़ा बिल्कुल न्यू है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, तो ये 2,50,000 वॉन, तकरीबन पाकिस्तानी 25,000 रुपया बनता है। फिर इसके अलावा जो है ना ये सैमसंग के हैं, जैसे कि ये सैमसंग का है 2,00,000 वॉन का, 1,30,000 वॉन का। ये जो 1,30,000 वॉन का मतलब 13,000, 2,00,000 वॉन मतलब कि 20,000 रुपया तकरीबन बन जाता है। जैसे कि ये सैमसंग नोट 4 है या 3 है, 1,50,000, 15,000 रुपये का। ये मोबाइलों की कीमतें हैं भाई। अगर न्यू डब्बा पैक लेना है तो 4,40,000 वॉन का Galaxy S7, Galaxy S8 है 6,50,000 वॉन, तकरीबन पाकिस्तानी 65,000 रुपया बनता है। भाई यहाँ पर ये मोबाइल के जो न्यू और ओल्ड की कीमतें मैंने बता दी हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त समझते हैं कि कोरिया में शायद मोबाइल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं या बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ये आपके सामने 15,000 से स्टार्ट है कीमतें, ये 10,000 से जो LG के हैं 10,000 से स्टार्ट हैं, या चाइना के जो हैं, और सैमसंग के 15,000 से स्टार्ट हैं और 70-80 हज़ार रुपये तक जाते हैं। जैसे कि ये लगे हुए हैं, ये वन हैंड यूज़ है सारे, न्यू जो है वो बहुत महंगे हैं, मगर ये भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती है कि ख़राब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग सेकेंड हैंड ही यूज़ करते हैं। मगर जो ना यार महंगा है, मगर ए क्वालिटी का है ना, जोड़ा ए है बी क्वालिटी का, ये स्क्रैच स्क्रूच ने 2,20,000 बनता है या 2,50,000 बनता है। फिर जिसमें कि बड़ा प्यारा टच वगैरह बहुत प्यारा, फिर वो है ना पेंसिल निकल दी है, किसी का वो नीचे निकल दी है। कैमरा वगैरह, कैमरा जोड़ा है कैमरे का जरूर देख ले।